नमस्कार साथियों, आज मैं आपको यशपाल द्वारा लिखी हुई कहानी दुख सुना रहा हूँ। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से स्नातक किया, जहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों से जुड़ाव के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी संग्रहों के नाम हैं तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, तुमने क्यों कहा, मैं सुंदर हूँ, चिंगारी, धर्मयुद्ध और फूलों का कुर्ता। वहीं इनके द्वारा रचित प्रतिनिधि उपन्यासों के नाम हैं अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात और झूठा सच। झूठा सच उपन्यास इनके द्वारा रचित भारत विभाजन की त्रासदी का एक मार्मिक दस्तावेज है। इनके द्वारा लिखी हुई एक चर्चित कहानी है दुख। इस कहानी में यशपाल की विचारधारा की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। कहानी के कथानक के अनुसार दिलीप की पत्नी हेमा उससे इस बात को लेकर नाराज है कि वह उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आया है। पत्नी रूठकर मायके चली जाती है। पत्नी को उसने पूरी स्वतंत्रता, आदर और प्रेम दिया, लेकिन पत्नी के इस बर्ताव से दुखी दिलीप मन बहलाव के लिए शहर में घूमने चला जाता है। रात्रिकाल में वह देखता है कि एक लड़का शहर में पकौड़ियाँ बेच रहा है। उसने एक रुपया दे 8 पैसे में उसकी सारी पकौड़ियाँ खरीद ली, लेकिन बालक के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। छुट्टे पैसे लेने दिलीप उसके घर तक जाता है। वहाँ उसकी विधवा माँ और घर में पसरी हुई दरिद्रता को देख उसे वास्तविक दुख अनुभूत होता है। कहानी यह बताती है कि परोपजीवी उच्च वर्गीय व्यक्ति का दुख और निम्न वर्गीय श्रमजीवी व्यक्ति का दुख एक नहीं होता। एक का दुख कल्पना से परिपूर्ण है और दूसरे का दुख वास्तविक और परिस्थिति जन्य है। कहानी के अंत में पत्नी के पत्र को पढ़कर दिलीप का यह कहना कि काश तुम जान पाती दुख किसे कहते हैं, कहानी को मार्मिकता प्रदान करता है। इस कहानी का वाचन साथियों मैं आपके सम्मुख कर रहा हूँ। जिसे मनुष्य सर्वपेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है। एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है, उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं। दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, वह उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ दूसरे शो में सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। सितंबर का अंतिम सप्ताह था, वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और गलानी में समय स्वयं यातना बन जाता है, एक मिनट का गुजारना मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींच कर सो जाने का यत्न करने लगा। उसी समय जीने पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। अलसाई हुई आंखों को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा था, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे आंख बंद कर ली। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप को अनुभव हुआ, क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसील के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मकान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता। उस एकांत में
एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर बैठ गया। सिर से टोपी उतारकर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। ख्याल आया, यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा। किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसे क्या अधिकार है कि उसके दुख का भाग बंटाने आए। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। समीप ही तीन फ्लोरिंग पर मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थीं। उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफानी वेग से तीव्र कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया फ्रंटियर मेल जा रहा है। 9:30 बज गए। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल पैदल बागों बाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क के किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। मनुष्यों के अभाव की कुछ परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। सौर जगत के यह अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई दाएं को कोई बाएं को कोई आगे को कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं था। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। ज्यों ज्यों वह लैंप से आगे बढ़ता परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना संसार भी कितना व्यस्त और रोचक है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई सवेद सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा था। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वालों से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहां कोई आने जाने वाला नहीं, वह खोमचे वाला कैसे बैठा है। खोमचे वाले के क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढीबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा, लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ी की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थीं। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही दो व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद में भी सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। एक क्षण चुप रहे दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे।
बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं लेना? सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी वह दिलीप के प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप दर्वित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके घर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। रुपये को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा, बोला, चलो मुझे भी उधर से जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर में भी ना होंगे? दिलीप सुनकर सिहर उठा परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपका कर आगे आगे चला और उसके पीछे पीछे साइकिल को थामे दिलीप। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जाकर उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने जवाब दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपये महीना लेती थी, जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल से लड़कियों को घर में बुला लाती थी, स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था, ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था, उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था, उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की एक ढीवरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मण को दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से 2 मैले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीणकाय आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ। और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबूजी को देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, साइकिल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। घबराकर माँ बोली, रुपए के पैसे कहाँ से मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से ताकि माँ सुन ले कहा,
रहने दो, कोई प्रवाह नहीं, फिर आ जाएगा। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से, बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री के मुरझाए कुंभलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बांह के इशारे से पानी ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मैले अंगोछे से लिपटी एक रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला, उसे खाने को दे दी। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था, मुंह बनाकर कहा, रूखी रोटी। माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐंठ गया, सुबह भी रूखी रोटी, रोज रोज रूखी। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फुलाकर रोना ही चाहता था कि माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी, देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल लाना। बेटा रिझ गया, उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? अंगोछे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, अब मुझे भूख नहीं, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से होठ दबा वह पीछे हट गया। मकान पर आकर वह बैठा ही था कि नौकर ने आकर दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं। उसी समय उस लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? दिलीप को गुस्सा आ गया, उसने विद्रूपता से कहा, क्यों, भूख न हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज है। नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींचकर कहा, जाओ जी। मिट्टी के तेल की ढीबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना न चाहता था। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए, उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दूभर हो जाए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।